26 जुलाई 2020 आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। मन की बात शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने कई प्रमुख एवं उल्लेखनीय बातें देश के साथ साझा की। साथ ही उन्होंने असम बिहार बाढ़ के साथ साथ कोरोना महामारी की चुनौतियों का भी जिक्र किया। नमस्कार, मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कविता इज एयर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रथम उल्लेखनीय रूप से आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहूंगी, जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। वीर शहादत को सादर नमन। मन की बात अपडेट्स। इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विशेष अनुरोध। मेरा अपने युवाओं से, सभी देशवासियों से अनुरोध है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर महामारी से आज़ादी का संकल्प लें, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें, कुछ नया सीखने और सिखाने का संकल्प लें, अपने कर्तव्यों के पालन का संकल्प लें। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा कि बिहार और असम में इस बाढ़ आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। साथियों, बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी जूझ रहा है। बिहार असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में तो बाढ़ ने काफ़ी मुश्किलें पैदा की हुई है। यानी एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ये एक और चुनौती है। ऐसे में सभी सरकारें एनडीआरएफ की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं सब एक साथ मिलकर जुटे हुए हैं, हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं। इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है। नेक्स्ट, मन की बात का नेक्स्ट हाइलाइट्स है, मेरे प्यारे देशवासियों, सात समुद्र पार भारत से हजारों मील दूर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सूरीनाम। भारत के सूरीनाम के साथ बहुत ही करीबी संबंध है। 100 साल से भी ज़्यादा समय पहले भारत से लोग वहां गए और उसे ही अपना घर बना लिया। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि आज चौथी पांचवी पीढ़ी वहां पर है। आज सूरीनाम में एक चौथाई से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। क्या आप जानते हैं कि वहां की आम भाषाओं में से एक सरनामी भी भोजपुरी की ही एक बोली है। इन सांस्कृतिक संबंधों को लेकर हम भारतीय काफी गर्व महसूस करते हैं। नेक्स्ट, कि मैं सभी युवा साथियों को ये आग्रह करूंगा कि वह अपनी कहानी, अपनी जुबानी जो देश को प्रेरित कर सके, वह हम सबके साथ जरूर साझा करें। नॉर्थ ईस्ट में बांस से शानदार और इको फ्रेंडली बोतल और टिफिन बॉक्स बन रहे हैं। बिहार में मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बन रहे हैं जो काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। झारखंड के विष्णुपुर में लेमन ग्रास की खेती हो रही है। लद्दाख में खुमानी को तकनीकी तौर पर सुखाने का काम शुरू हुआ है। इसमें भी ड्रैगन फ्रूट्स की खेती खूब हो रही है। नेक्स्ट, मन की बात अपडेट्स अगेन हाईलाइट, भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है। ये दुनिया जितना जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके, नेक्स्ट है कि बिहार के कुछ युवाओं द्वारा पर्ल फार्मिंग की प्रेरक कहानी। उनके क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बहुत पता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई, जयपुर और भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गांव में ही मोती की खेती शुरू कर दी।
आज ये स्वयं तो इससे काफी कमाई कर ही रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पटना में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को इसकी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। कितने ही लोगों के लिए इससे आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल गए हैं। नेक्स्ट, इनोवेटिव तरीके से लद्दाख में खुबानी एप्रिकॉट की खेती। लद्दाख में एक विशिष्ट फल होता है जिसका नाम चूली यानी खुबानी है। ये फसल इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखती है, परंतु अफसोस की बात यह है कि सप्लाई चेन और मौसम की मार जैसी अनेक चुनौतियों से ये जूझता रहता है। नेक्स्ट, इसकी कम से कम बर्बादी हो इसके लिए आजकल एक नए इनोवेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है। एक ड्यूअल सिस्टम है जिसका नाम है सोलर एप्रिकॉट ड्रायर एंड स्पेस हीटर। ये खुबानी और दूसरे अन्य फलों एवं सब्जियों को जरूरत के अनुसार सुखा सकता है और वह भी हाइजीन तरीके से। मन की बात मधुबनी मास्क। बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाना शुरू किया है और देखते ही देखते ये खूब पॉपुलर हो गए हैं। ये मधुबनी मास्क एक तरह से अपनी परंपरा का प्रचार तो करते ही हैं, लोगों को स्वास्थ्य के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं। नेक्स्ट, उन्होंने कोरोना महामारी के संदर्भ में भी अपनी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी महसूस होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो पल भर के लिए उन डॉक्टरों का भी स्मरण कीजिए, उन नर्सों का भी स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना बैरियर्स का स्मरण कीजिए। आप देखिए, वे मास्क पहन के घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था, इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। अटल जी ने कहा था कि कारगिल युद्ध ने हमें एक ऐसा दूसरा मंत्र दिया है। ये मंत्र था कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जवानों की कहानियां वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं और शेयर करें। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं, जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उस समय मुझे भी कारगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वे दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द कारगिल वार इन 1999। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा था। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि बैरू अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज ही के दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था, वे भारत कभी नहीं भूल सकता। पिछले मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी लद्दाख, कोरोना वायरस, अनलॉक समेत कई मुद्दों पर बात की थी। उन्होंने लद्दाख झड़प पर कहा था कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती निभाना जानता है, तो फिर जरूरी समय पर उचित जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा था कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है।
हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वे कभी भी माँ भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस पर कहा था कि भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है। अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है।